जी नमस्कार, मैं पुष्पिता अवस्थी आभारी हूँ देवेंद्र जी की, उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया। और 15 अगस्त स्वाधीनता का दिवस हम लोगों के जीवन के द्वार पर है और ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी एक कविता है जो गत वर्ष लिखी, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का ईश्वर है। जिस देश में इतने धर्म, संस्कृति, जाति, भाषा के लोग रहते हों और सबका अपना अपना इष्ट है, अभीष्ट है, ऐसे में लगता है कि देश को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने के लिए और जिसने हमारे देश को आजादी दिलाई, देश को आजादी दिलाने के साथ साथ वस्तुतः राष्ट्रीय ध्वज ने हम सबके जीवन को भी स्वाधीन किया, आजाद किया कि हमें मातृभूमि में, मातृभूमि के होने के सुख का एहसास होता है और लगता है कोई भी सपना देखेंगे तो वो पूरा होगा। तो कविता का शीर्षक है राष्ट्र का ईश्वर है राष्ट्रीय ध्वज। और विदेश में तो इसका बहुत ही महत्व है। पिछले 23 सालों से मैं बाहर हूँ, विदेश में, कैरेबियाई धरती पर रही, फिर यूरोपीय धरती पर। वहां के लिए 15 अगस्त कितना महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय ध्वज कितना महत्वपूर्ण है। विदेशों में भारतीय हृदय ही राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें लहराता है तिरंगा, अपनी विरासत के गीत गुनगुनाता, जिसमें लहराता है तिरंगा, अपने विरासत के गीत गुनगुनाता, राष्ट्रीय तिरंगा स्वदेश का सजीला पासपोर्ट है, जिसके भीतर है अपने प्रिय वतन स्वदेश भारत की छवि, जिसके चक्र से संबद्ध है हमारी चेतना, जिसके चक्र से संबद्ध है हमारी चेतना, जो करती रहती है अहर्निश वैश्विक मानवीय संस्कृति का प्रवर्तन स्वदेश के नेतृत्व में, जिसके चक्र से संबद्ध है हमारी चेतना, जो करती रहती है अहर्निश वैश्विक मानवीय संस्कृति का प्रवर्तन स्वदेश के नेतृत्व में, देश की आपदाओं में हम सबके वक्ष भीतर सिहरता रहता है अपनी चेतना का तिरंगा, हमारी व्यथित आकुल संवेदनाओं के साथ, देश की आपदाओं में हम सबके वक्ष भीतर सिहरता रहता है अपनी चेतना का तिरंगा, हमारी व्यथित व्याकुल संवेदनाओं के साथ, विदेश में अपने अस्तित्व से रचाते हैं हम स्वदेश की वैभवमयी अस्मिता, विदेश में अपने अस्तित्व से रचाते हैं स्वदेश की वैभवमयी अस्मिता, जिसका रक्षा कवच है स्वाभिमानी तिरंगा, जिसका रक्षा कवच है स्वाभिमानी तिरंगा, कर्ण को प्रदत्त सूर्य द्वारा रक्षा कवच सरीखा, विदेशी वसुधा पर विश्व के अन्य राष्ट्र ध्वजों के बीच भारतीय तिरंगा मनुष्यता की प्राचीनतम विरासत को आधुनिकता के साथ हवाओं में लहराता है और विलय करता है आत्मीयता के साथ। विदेशी वसुधा पर विश्व के अन्य राष्ट्र ध्वजों के बीच भारतीय तिरंगा मनुष्यता की प्राचीनतम विरासत को आधुनिकता के साथ हवाओं में लहराता है और विलय करता है आत्मीयता के साथ। विश्व में अपने ही वैभव से झेलता है विश्व की चुनौतियां, विश्व में अपने ही वैभव से झेलता है विश्व की चुनौतियां, मानवता के पक्ष में अहिंसा की सत्याग्रही कीर्ति के साथ, विश्व में अपने ही वैभव से झेलता है विश्व की चुनौतियां, मानवता के पक्ष में अहिंसा की सत्याग्रही कीर्ति के साथ, सृजनात्मकता ही समस्याओं का समाधान है जिसका, सृजनात्मकता ही समस्याओं का समाधान है जिसका,
सृष्टि करती है नित्य उद्घोष, विश्व मानवता और पृथ्वी संरक्षण बोध तिरंगा की धारणा का है आध्यात्मिक जनक। विश्व मानवता और पृथ्वी संरक्षण बोध तिरंगा की धारणा का है आध्यात्मिक जनक, तिरंगा जिसे जपता है सदैव। देश की अस्मिता के महापुरुषों और स्वाधीनता के शहीदों के नाम ही तिरंगा के बीजक मंत्र हैं। देश की अस्मिता के महापुरुषों और स्वाधीनता के शहीदों के नाम ही तिरंगा के बीजक मंत्र हैं। देश के निज स्वामित्व निमित्त स्वाधीनता राष्ट्र का राष्ट्र के शहीदों द्वारा लिखा स्वदेशी वेद ग्रंथ है। देश के निज स्वामित्व निमित्त स्वाधीनता राष्ट्र का राष्ट्र के शहीदों द्वारा लिखा स्वदेशी वेद ग्रंथ है, जिसकी ऋचाएं लिखी हैं राष्ट्रभक्तों ने और राष्ट्रीय ध्वज ने, जिसकी ऋचाएं लिखी हैं राष्ट्रभक्तों ने और राष्ट्रीय ध्वज ने, अपनी आहुति की लेखनी से जिसका जय घोष करता है नित्य, अपनी आहुति की लेखनी से जिसका जय घोष करता है नित्य। भारतीय तिरंगा स्वदेश और विदेश में माने संपूर्ण विश्व के भारतीय अपने इतिहास के साथ तरंगित और आह्लादित रहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के यशस्वी गौरव के साथ जुड़ा है उनका जीवन। भारतीय तिरंगा स्वदेश और विदेश में माने संपूर्ण विश्व के भारतीय अपने इतिहास के साथ तरंगित और आह्लादित रहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे के यशस्वी गौरव के साथ जुड़ा है उनका जीवन। देश का राष्ट्रीय ध्वज ही राष्ट्र का ईश्वर है। देश का राष्ट्रीय ध्वज ही राष्ट्र का ईश्वर है और उसकी ही भक्ति करनी चाहिए मातृभूमि और पृथ्वी के पक्ष में, और उसकी ही भक्ति करनी चाहिए मातृभूमि और पृथ्वी के पक्ष में। अपना तिरंगा हृदय की धड़कन है, अपना तिरंगा हृदय की धड़कन है। हम सब की तरह संपूर्ण विश्व में देश के लिए धड़कता और तपता हुआ, देश के लिए धड़कता और तपता हुआ, देश से एकात्म होकर देश के नागरिकों के लिए स्वदेश में भी विदेश में भी, देश से एकात्म होकर देश के नागरिकों के लिए स्वदेश में भी विदेश में भी भारतीय तिरंगे में समाविष्ट है स्वदेश की ज्ञानेंद्रियां। भारतीय तिरंगे में समाविष्ट है स्वदेश की ज्ञानेंद्रियां। तिरंगा सुनता है हमें, तिरंगा सुनता है हमें और देखता है हमारे सपने, और देखता है हमारे सपने हमारी ही तरह। विदेश में होने पर भी स्वदेश की तरह राष्ट्रीय ध्वज रहता है हमारे साथ, विदेश में होने पर भी स्वदेश की तरह रहता है राष्ट्रीय ध्वज हमारे साथ। मातृभूमि की शक्ति और निजता सरीका उसके फहराने में गूंजता है स्वदेश का हार्दिक संगीत, उसके फहराने में गूंजता है स्वदेश का हार्दिक संगीत। देश का राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का ईश्वर है, देश का राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का ईश्वर है। इस कविता के साथ जो कहा जाए, मेरे जो विदेश प्रवास के अनुभव हैं और राष्ट्रीय ध्वज के साथ जो प्रेम का रिश्ता है, सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि भारत वंशियों का और प्रवासी भारतीयों का, वो अद्भुत है। इस संदर्भ में ये कहना चाहेंगे कि अपना राष्ट्रीय ध्वज खादी का बना होता है, और विदेशों में जहां दूसरे देशों के भी राष्ट्रीय ध्वज लगे रहते हैं, वहीं हमारा खादी का राष्ट्रीय ध्वज भीगता हुआ, धूप में तपता हुआ फहराता रहता है। और दूसरे जो देश हैं उनके लिनन के होते हैं, नायलॉन के होते हैं, माने सिंथेटिक होते हैं, उनका रंग नहीं धूमिल होता, वो फटता नहीं, उनका हृदय नहीं विदीर्ण होता है। तो जब मैं सुरीनाम में थी तो असेंबली के सामने जो स्क्वायर था सुरीनाम नदी के तट पर, वहां सारे ध्वज के साथ हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी
रोज भीगता और तपता, क्योंकि ट्रॉपिकल देशों की के संकट आप समझते हैं, तो वहां मैंने देखा कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज विदीर्ण है। तो दूसरे दिन ही कहा और बदलवाया, और तब मुझे लगा कि खादी जो हमारी मातृभूमि की कपास से बना है, उसी से बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज पूरे विश्व में हम सबका प्रतिनिधि है, हम सबके समर्पण का भी और संघर्ष का भी। इसके साथ साथ मैंने ये भी अनुभव किया विदेश में, जो भारतवंशी बहुल देश हैं, जो किसान मजदूर, जो मॉरिशस, फिजी, कैरेबियाई देशों में, सुरिनाम, ट्रिनिदाद, फ्रेंच गयाना, ब्रिटिश गयाना, साउथ अफ्रीका, इन देशों में गए, इन देशों में भारतवंशियों के द्वारा 15 अगस्त वैसे ही मनाया जाता है। सूरीनाम के लोगों ने मुझे बताया कि जब वो अपने देश में अभी भी 15 अगस्त के दिन वैसे ही भारतवंशी एकत्रित होते हैं, दूतावास के यहाँ तो जाते ही हैं, लेकिन अपने गांव और समूहों में भी वो राष्ट्रीय ध्वज लहराते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति के प्रति जो लगाव है और भारत को मातृभूमि मानने वाले, 5 पीढ़ियों के बावजूद विश्व में बसे हुए हिंदुस्तानी भारतवंशी अभी भी अपने को भारतीय पहले मानते हैं, और तब उस देश का नागरिक मानते हैं जिस देश में वो ले जाए गए। तो इसके साथ मैं 15 अगस्त के अपने सभी मित्रों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा देश विश्व का सबसे अधिक आबादी का देश है, सिर्फ जनसंख्या की दृष्टि से ही नहीं। अगर वो जनसंख्या है तो उसमें क्षमताएं भी हैं, उसमें इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, तकनीकी हैं, और जो नासा में जो काम होता है वहां कितने अपने भारतीयों की संख्या है, विदेशों में जो चिकित्सा है, डॉक्टर्स हैं, वो चिकित्सा पद्धति का अधिकांश हमारे भारतवर्ष के चिकित्सकों के द्वारा चल रहा है। अभी जब टर्की में भूकंप आया था तो वहां प्राथमिक सहायता के रूप में, और वो प्राथमिक सहायता बहुत इमरजेंसी की, आपातकाल की थी, जिसमें भारतीय कैंप में डॉक्टरों ने बहुत सहायता की। तो जब अधिक आबादी की बात होती है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को, हम क्षमताओं के साथ हम अधिक आबादी के लोग हैं, और इस पर हमें गर्व करना चाहिए। इधर हमारा एक नया कविता संग्रह आया है जिसका नाम है आंखों की हिचकियां। आंखों की हिचकियां, प्राय जब किसी की याद आती है तो हिचकी आती है, और ऐसे आंख फड़कने लगती है। तो उसको मैंने कहा कि आंखें भी हिचकियां भरती हैं जब किसी की याद आती है, क्योंकि आंखों से ही तो वो रिश्ता बनता है हृदय के साथ, कि हृदय भूल नहीं पाता है। और एक टेलीपैथी शब्द जो इस्तेमाल होता है, उस टेलीपैथी की अनुभूति आंखों की हिचकियां करवाती है। डायमंड प्रकाशन से प्रकाशित है ये पुस्तक, और इसमें आवरण पर ही मैंने इस कविता का शीर्षक लिखा है। तो सबसे पहले मैं उसे ही पढ़ती हूँ, और ये प्रेम कविताओं का संग्रह है, जाहिर है नाम से भी। चांदनी भी समा चुकी होती है मीठे उजालेपन के साथ आकाश गंगा के धवल प्रवाह में। चांदनी भी समा चुकी होती है मीठे उजालेपन के साथ आकाश गंगा के धवल प्रवाह में। बेघर चांद भी अपने कृष्ण पक्ष में ठहर जाता है तुम्हारी आंखों के घर में। बेघर चांद भी अपने कृष्ण पक्ष में ठहर जाता है तुम्हारी आंखों के घर में, स्वप्न बन जाने के लिए, स्वप्न बन जाने के लिए। अकेलेपन की रोशनी में तब पिघलती हूं मैं,
अकेलेपन की रोशनी में तब पिघलती हूं मैं और मेरे भीतर का शब्द संसार, और मेरे भीतर का शब्द संसार जिनकी आंखों से उतरते हैं पारदर्शी आंसू, जिनकी आंखों से उतरते हैं पारदर्शी आंसू, जिसमें झिलमिलाती है स्मृतियों की रौनक, जिसमें झिलमिलाती है स्मृतियों की रौनक। ऐसे में तुम्हारे लिए रचाए गए शब्दों की मुट्ठी में होता है, ऐसे में तुम्हारे लिए रचाए गए शब्दों की मुट्ठी में होता है प्यार की अमृत बूंदों का जादुई सच, प्यार की अमृत बूंदों का जादुई सच, जिसे जानती हैं आंखों के हिचकियां, जिसे जानती हैं आंखों की हिचकियां। कविता का शीर्षक है सर्वस्व सब कुछ। मैं तुम्हारी ही ध्वनि होकर गूंजती हूं तुम्हें, मैं तुम्हारी ही ध्वनि होकर गूंजती हूं तुम्हें, तुम शब्दों की तरह उच्चारते हो उसे, तुम शब्दों की तरह उच्चारते हो उसे, मैं अर्थ की तरह सुनती हूं तुम्हारा सर्वस्व, मैं अर्थ की तरह सुनती हूं तुम्हारा सर्वस्व। दूसरी कविता है तुम हो मुझ में, जैसा कि अपने कबीर ने भी कहा तेरा साईं तुझ में। शब्द में अर्थ की तरह तुम हो मुझ में, शब्द में अर्थ की तरह तुम हो मुझ में, सुख में खुशी की तरह, सुख में खुशी की तरह, उजाले में चमक की तरह, सन्नाटे में चुप्पी की तरह, शांति में मौन की तरह, पर्वतों में ऊंचाई की तरह, सागर में गहराई की तरह, पानी में नमी की तरह, प्रेम में प्रेम की तरह तुम हो मुझ में प्रेम की तरह हो मुझ में। शब्द में अर्थ की तरह, सुख में खुशी की तरह, उजाले में चमक की तरह, सन्नाटे में चुप्पी की तरह, शांति में मौन की तरह, पर्वतों में ऊंचाई की तरह, सागर में गहराई की तरह, पानी में नमी की तरह, प्रेम में प्रेम की तरह तुम हो मुझ में, तुम हो मुझ में। कविता का शीर्षक है मेरी तरह। धीरे धीरे करके तुमने खुद को उतार दिया है मुझ में, धीरे धीरे करके तुमने खुद को उतार दिया है मुझ में, मेरी चाहतों की जरूरत होकर, मेरी चाहतों की जरूरत होकर, पहचानने लगे हो मेरा स्वाद मेरे सपने, पहचानने लगे हो मेरा स्वाद मेरे सपने, जिन्हें बटोर लाते हो सृष्टि से, जिन्हें बटोर लाते हो सृष्टि से, तुम मेरे मन की ऋतु हो, तुम मेरे मन की ऋतु हो, मुझ में ही खुलते हो, खिलते हो, झड़ते हो और समा जाते हो। तुम मेरे मन की ऋतु हो, मुझ में ही खुलते हो, खिलते हो, झड़ते हो और समा जाते हो, इसीलिए तुम मेरा प्रेम भी हो और पीड़ा भी, इसीलिए तुम मेरा प्रेम भी हो और पीड़ा भी, मुझ में ही बचे हुए मेरी तरह, मुझ में ही बचे हुए मेरी तरह। और दूसरी है संवेदना की जड़ें। मुझ में मेरी तरह बचे हुए हो तुम, मुझ में मेरी तरह बचे हुए हो तुम, जैसे वृक्षों में जंगल, जल में पारदर्शिता, अपने भीतर महसूस होती हैं तुम्हारी संवेदना की जड़ें। मुझ में मेरी तरह बचे हुए हो तुम, जैसे वृक्षों में जंगल, जल में पारदर्शिता, अपने भीतर महसूस होती है तुम्हारी संवेदना की जड़ें। अवतरित करती हूं तुम्हें स्मृति की देह में, अवतरित करती हूं तुम्हें स्मृति की देह में, जहां से प्रवेश करते हो तुम मेरी चेतना के सर्वांग में निज सर्वस्व के साथ,
अवतरित करती हूँ तुम्हें स्मृति की देह में, जहां से प्रवेश करते हो तुम मेरी चेतना के सर्वांग में, निज सर्वस्व के साथ अनुभूत में उतरने लगती है उष्म तासीर, अनुभूति में उतरने लगती है उष्म तासीर संजीदगी के साथ, जैसे सूर्य रश्मियां झिलमिलाती हैं जलाशय में, जैसे सूर्य रश्मियां झिलमिलाती हैं जलाशय में। तुम्हारी आंखों में सोती हूँ अपनी नींद, तुम्हारी आंखों में सोती हूँ अपनी नींद, तुम्हारी अधरों में रखती हूँ अपने शब्द, तुम्हारे अधरों में रखती हूँ अपने शब्द, तुम्हारे चेहरे में लखती हूँ निज आत्म सुख का सर्वस्व, तुम्हारे चेहरे में लखती हूँ निज आत्म सुख का सर्वस्व। और मेरी इन सारी कविताओं में एक आध्यात्मिक अर्थ भी है, इसीलिए मैंने उसे ईश्वर मान के तुम के रूप में संबोधित किया है। और ये सारी कविताएं कहा जाए कि 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में, या 1 बजे से लेके 3 बजे, मैंने 1 से 4 के बीच में रात्रि में लिखी जाती, जिसे मैं नहीं लिखती हूँ, कहीं से भीतर आता है। और जब तो मैं सारे काम निपटा के, आलोचना समीक्षा ये सब के, किताबों को पढ़ने के, स्वाध्याय का समय निपटा के 1 बजे के आसपास जब सोने जाती हूँ, सोचती हूँ देह की थकान उतारने के लिए, तो 1 घंटे बाद कुछ उस सोई हुई रहती हूँ, पर कुछ शब्द आ जाते हैं और वो शब्द मुझे जगाते हैं, 2 पंक्तियां आती हैं। पहले मैं सोचती थी कि अच्छा सवेरे लिख लेंगे, उठेंगे जब, पर सुबह कुछ भी स्पष्ट नहीं, एक शब्द, एक बिंब, कुछ नहीं याद रहता है। तो मैंने फिर शुरू किया उसी समय लिखने का। और उस समय लिखने के लिए, क्योंकि अगर लाइट जला देंगे तो मेरी नींद खुल जाएगी, इसलिए मेरे जो 2-3 टेबल्स हैं उसमें मैं पन्ने खोल के रखती हूँ और कलम भी रखती हूँ, तो बाहर से जो थोड़ी सी रोशनी आती है, और कभी पूर्णिमा की जब रात रहती है तो वो पूर्णिमा की रात में चांद हमारे रीडिंग टेबल के सामने रहता है, जैसे इस समय सूर्य को आप देख रहे हैं कि मेरे राइटिंग टेबल पर है, और आप लोग के, वो आप लोगों को भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है, कैसे ही चांद। तो उस दौरान मैं चश्मा भी नहीं लगाती हूँ और लाइट भी नहीं जलाती हूँ, और जो इबारत लिखी होती है मानस में उसको मैं लिख देती हूँ, और बड़ा बड़ा लिखते हैं उसमें बगैर किसी सुधार के, दोबारा हम उसे लिख करके प्रेस में या छपने के लिए भेज देते हैं। और ये सभी कविताएं इधर 2-3 वर्षों में, जैसे पहले भी छपी हैं महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में, वागर्थ में और बाकी उसमें। तो ये मेरी कविताओं का, विशेषकर जो प्रेम कविताएं हैं, वो ऐसे ही लिखी गई हैं। और जो दूसरी कविताएं हैं, विश्व के महत्वपूर्ण व्यक्तियों पर भी मैंने कविताएं लिखी जिनसे मेरी मुलाकात हुई। और उन लोगों से मुलाकात जब हुई तो पहली बार में, जिससे मैं पहली बार मिलती हूं, और अगर उस आकर्षण ने मेरे भीतर कविता बना दी तो कविता बन जाएगी, अन्यथा दोबारा की मुलाकात के बाद कविता नहीं बन पाती। और आप जानते हैं कि पहली मुलाकात जो है वो कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ व्यक्ति का नाम पता होता है और मुलाकात होती है। ऐसे बहुत से लोगों पर मैंने, सुब्बा राव जी पर मैंने कविता लिखी, और इधर अन्य मित्रों पर कविताएं लिखी, विश्व के महत्वपूर्ण जो साहित्यकार हैं उनसे जब मुलाकात हुई तो पहली बार मुलाकात थी, और वो कभी कभी अंतिम मुलाकात भी रही, क्योंकि दोबारा हम उस देश में नहीं गए और मुलाकात नहीं हो सकी, उन पर कविताएं लिखी। तो भविष्य में कभी ऐसे विश्व के महत्वपूर्ण कवि, लेखक, राजनीतिज्ञ, चिंतक, विचारक, विचारकों पर जो मेरी कविताएं हैं उनकी श्रृंखला भी कभी खुलेगी, उसकी गठरी भी, और मैं वो कविताएं भी आप लोग के सामने रखूंगी।
ये कविता है ईश्वर। ईश्वर को किसी ने नहीं देखा और कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन वो ईश्वर हम सबके भीतर है। वो है तभी हम हैं। तुम्हारे शब्द छूते हैं पूरा दिवस, आकार लेने लगता है समय सार्थक होने के लिए। तुम्हारे शब्द छूते हैं पूरा दिवस, आकार लेने लगता है समय सार्थक होने के लिए। आत्मा प्रणय के वसंत में लेती है पुनर्जन्म, आत्मा प्रणय के वसंत में लेती है पुनर्जन्म। प्रस्फुरित होता है सौंदर्य भीतर से बाहर तक सर्वांग, प्रस्फुरित होता है सौंदर्य भीतर से बाहर तक सर्वांग में। स्नेह लहरों के स्पर्श भर से अनुभव होती है पूर्ण नदी अपने भीतर। स्नेह लहरों के स्पर्श भर से अनुभव होती है पूर्ण नदी अपने भीतर। वर्षों तलक कि आत्मा जी लेती है, कि आत्मा जी लेती अक्षय कुमारा आनंद सुख। ईश्वर को कभी नहीं देखा, ईश्वर को कभी नहीं देखा, पर प्रिय में देखती है अपने ईश्वर को वो, पर प्रिय में देखती है अपने ईश्वर को वो। क्योंकि हमारे भीतर जो ईश्वर है उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जिसे हम चाहते हैं वो आपका, आपकी संतान हो सकती है, आपके पिता हो सकते हैं, क्योंकि इन सबसे हम प्रेम करते हैं, माँ हो सकती। तो उनके भीतर जो प्रेम है, उनके उस प्रेम में हम उस ईश्वर को देखते हैं, और इस तरह से ईश्वर जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ईश्वर को पहचान सकते हैं। तो शीर्षक रहा दूसरी कविता है प्रवास की परछाई। प्रवास से भेज रही हूं सूचनाएं, प्रवास से भेज रही हूं अपनी सूचनाएं। अपना घटा हुआ वजन, बढ़ गया रक्तचाप, घबराई हुई धड़कने, सहमी हुई सांसें, संतप्त शब्द। प्रवास से भेज रही हूं सूचनाएं, अपना घटा हुआ वजन, बढ़ गया रक्तचाप, घबराई हुई धड़कने, सहमी हुई सांसें, संतप्त शब्द। साथ में तितली का एक पंख, पक्षी का एक झरा हुआ डैना, सूखा हुआ फूल, जांच के लिए खून से बच आई रुई के फाहे पर सूख चुकी कुछ बूंदें। जांच के लिए खून से बच आई रुई के फाहे पर सूख चुकी कुछ बूंदें। सपनों में तुम्हारे तेज चल रहे पांवों की परछाई के साथ होती हूँ इस विश्वास के साथ, सपनों में तुम्हारे तेज चल रहे पांवों की परछाई के साथ होती हूँ इस विश्वास के साथ कि तुम अपने लंबे तेज डगों से चलते हुए आओगे मुझ तक, कि तुम अपने लंबे तेज डगों से चलते हुए आओगे मुझ तक और निकाल फेंकोगे मेरा ठहरा हुआ समय, और निकाल फेंकोगे मेरा ठहरा हुआ समय जो सिर्फ शब्द बनकर रहा है, जो शब्द बनकर जी रहा है मेरी जिंदगी में, जो शब्द बनकर जी रहा है मेरी जिंदगी में, पालने में पड़े हुए अबोध शिशु की तरह, पालने में पड़े हुए अबोध शिशु की तरह। इस कविता का शीर्षक था प्रवेश की परछाई। दूसरी है रुद्राक्ष की गुड़िया। रुद्राक्ष, प्रणय सिक्त अखियां, प्रणय सिक्त अखियां रुद्राक्ष की दो गुड़िया हैं। प्रणय सिक्त अखियां रुद्राक्ष की दो गुड़िया हैं, रूपलीन आत्मविलीन, उत्तुंग शुभ वक्ष शिखर में, कैलाश पर्वत श्रेणी मध्य, तल्लीन शिव के साधना रत नयन, लखते और सहजते हैं अपनी सिद्ध आंखों में। उत्तुंग शुभ्र वक्ष शिखर में, कैलाश पर्वत श्रेणी मध्य, तल्लीन शिव के साधना रत नयन, लखते और सहजते हैं अपनी सिद्ध आंखों में। धमनियों में उतर आती है
हिमाचली पर्वत मालाओं की सिद्ध शक्तियां, धमनियों में उतर आती हैं हिमाचली पर्वत मालाओं की सिद्ध शक्तियां। रुद्राक्ष रचते हैं सिद्धियों की शक्तियों का महाकुंड, रुद्राक्ष रचते हैं सिद्धियों की शक्तियों का महाकुंड, जिसके अक्षय स्रोत से प्रवाहित होती है आस्था की सरिताएं, जिसके अक्षय स्रोत से प्रवाहित होती है आस्था की सरिताएं। अंजलि भर तृप्ति के लिए, अंजलि भर तृप्ति के लिए। आत्मसुख, तुम्हारी आंखों में सोती हूं अपनी नींद, तुम्हारी आंखों में सोती हूं अपनी नींद, तुम्हारे अधरों पे रखती हूं अपनी हार्दिक हलचल, तुम्हारे अधरों पर रखती हूं अपनी हार्दिक हलचल, तुम्हारे चेहरे पर देखती हूं आत्मसुख, तुम्हारे चेहरे पर देखती हूं अपना आत्मसुख, तुम्हारी लिखावट में होता है मेरा स्वप्निल संसार, तुम्हारी लिखावट में होता है मेरा स्वप्निल संसार, तुम्हारे सपनों में होती है मेरी खुशियों का घरौंदा, तुम्हारी उमंगों में होते हैं मेरी चितवनों के रंग, तुम्हारे उमंगों में होते हैं मेरी चितवनों के रंग। तुम भी कर सकोगे ये सारी यात्राएं, माने पाठक भी ये कर सकता है, श्रोता भी ये कर सकता है, इस कविता को सुनने के बाद कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकोगे ये सारी यात्राएं। मेरी आंखों से देखो अपने को, मेरी आंखों से देखो अपने को, जैसे मैं देखती हूं तुम्हें पूर्णता में, जैसे मैं देखती हूं तुम्हें पूर्णता में, मेरी तरह सुनो खुद को, मेरी तरह सुनो खुद को, जैसे मैं सुनती हूं तुम्हें तुम्हारा अंतरंग, जैसे मैं सुनती हूं तुम्हें तुम्हारा अंतरंग, मेरी तरह जियो मुझे, मेरी तरह जियो मुझे, जैसे मैं जीती हूं तुम्हें तुम्हारी तरह, जैसे मैं जीती हूं तुम्हें तुम्हारी तरह। कविता का शीर्षक आत्मसुख। और सुख तो कहीं बाहर नहीं होता है, हम लोग बहुत से मामलों में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, लेकिन जो भीतर का सुख है जिसे आनंद कहते हैं, उस आनंद के लिए वस्तुतः हम आत्मनिर्भर हैं, ईश्वर ने वो हमको प्रदान की है वो आत्मनिर्भरता, लेकिन उस आत्मनिर्भरता को हम लोगों ने खो दिया है, और उस प्रेम को और ईश्वर प्रदत्त उस वरदान को हम दूसरे के द्वारा प्रेम मिलने पर अनुभव करते हैं, और तब हम सुख की अनुभूति करते हैं। तो इस क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है, इस पर यह कविता एक उस तरह की स्थितियां भी बताती है। एक कविता है रूपांतरण। अगर मैं तुम्हारी मेज होती, तुम्हारा भविष्य अपने वक्ष पे सहेज रखती, अगर मैं तुम्हारी मेज होती, तुम्हारा भविष्य अपने वक्ष पर सहेज रखती, जिसे तुम समय बचाकर छूना चाहते हो अपने जाए जन्मे शब्दों से, जिसे तुम समय बचाकर छूना चाहते हो अपने जाए जन्मे शब्दों से, अगर मैं तुम्हारी मेज होती, तुम्हारी हथेलियां मुझ पर होती, अगर मैं तुम्हारी मेज होती, तुम्हारी हथेलियां मुझ पर होती, तुम्हारे जरूरी शब्द मुझ पर टेक लेकर लिखे जाते, तुम्हारे जरूरी शब्द मुझ पर टेक लेकर लिखे जाते, तुम्हारी जरूरी तारीखें महत्वपूर्ण काम मुझ पर चिन्हित होते, तुम्हारी जरूरी तारीखें महत्वपूर्ण काम मुझ पर चिन्हित होते, तुम्हारे एकांत पलों की अंतरंग सहचर होती, तुम्हारे एकांत पलों की अंतरंग सहचर होती,
तुम्हारी अकेली रातों की आत्मी सहयात्री होती, तुम्हारी अकेली रातों की आत्मी सहयात्री होती, अपना दिवस तुम अपनी जेबों से उड़ेल कर मुझ पर रख देते, अपना दिवस तुम अपनी जेबों से मुझ पर उड़ेल देते और फिर सहेज देते मुझ में ही, और फिर सहेज देते मुझ में ही अपनापन ढूंढते हुए। अगर मैं तुम्हारी मेज होती, अगर मैं तुम्हारी मेज होती तो तुम्हारे अपने कमरे की मेज होना चाहती, तो तुम्हारे अपने कमरे की मेज होना चाहती, कार्यालय की मेज नहीं, कार्यालय की मेज नहीं, जिसके दूसरी तरफ बैठते हैं मुखौटा चढ़ाए हुए मतलबी लोग, जिसके दूसरी तरफ बैठते हैं मुखौटा चढ़ाए हुए मतलबी लोग, जिनके जूठे और झूठे शब्दों तथा मायावी मुस्कुराहट के छींटे और थूक मुझ पर गिरता, जिनके जूठे और झूठे शब्दों तथा मायावी मुस्कुराहट के छींटे और थूक मुझ पर गिरता, जहां मैं लेन देन की बाजारू मेज होती, जहां मैं लेन देन की बाजारू मेज होती, मैं नहीं होना चाहती हूं बाजारू मेज, और ना ही बदल जाने वाले नौकरों की देखभाल में अंधेरी रातों में ताले बंद कमरे में पड़ी रहना चाहती, और ना ही बदल जाने वाले नौकरों की देखभाल में अंधेरी रातों में ताले में बंद कमरे में पड़ी रहना चाहती। अगर मैं तुम्हारी मेज होती, अगर मैं तुम्हारी मेज होती तो तुम्हारे घर की होती, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बच्चे मुझ पर लिखना सीखते, तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे बच्चे मुझ पर लिखना सीखते, मैं उनके लिखने की पहली पार्टी होती, मैं उनके लिखने की पहली पार्टी होती, प्रथम प्रणय की तरह उनको तुम में ढलता देखती, उनमें तुमको पाते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा करती, उनको तुम में ढलता देखी, उनमें तुमको पाते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा करती। अगर मैं तुम्हारी मेज होती तो तुम्हारी होती, अगर मैं तुम्हारी मेज होती तो तुम्हारी होती संवेदनशील सहचर सरीखी, संवेदनशील सहचर सरीखी। या इसको भी देखना होता है कि कौन सी कविताएं, कविता का शीर्षक है प्रणय मणि। यादें जिस तरह से आती हैं, वो आती है हवाओं की तरह और सांसों में होकर अपनी विदेह देह को सिद्ध करती है, वो आती है हवाओं की तरह और सांसों में होकर अपनी विदेह देह को सिद्ध करती है, प्रेम में स्वयं सिद्धा है वो, प्रेम में स्वयं सिद्धा है वो, पर सहज ही दिखती नहीं है प्रेम की तरह, प्रेम कभी नहीं दिखता है जैसे ईश्वर नहीं दिखता है, इसलिए मुझे लगता है कि प्रेम ही ईश्वर है, और इसीलिए वो शक्ति भी देता है। ईश्वर प्रेम में ईश्वरी शक्तियां आपके भीतर आपको रचती हैं, सृजन की ओर बढ़ाती हैं, आप समाज रचते हैं, विचार रचते हैं, अनेक तरह के जुड़ाव पैदा करते हैं दुनिया के साथ, लोगों के साथ। प्रेम में स्वयं सिद्धा है वो, पर सहज ही दिखती नहीं है प्रेम की तरह, लेकिन अपनी अनुपस्थिति में भी लिखती है अपने होने के कोरे शब्द, लेकिन अपनी अनुपस्थिति में भी लिखती है अपने होने के कोरे शब्द, पाक पृष्ठ की तरह धवलता में फड़फड़ाती है वो हथेली के नीचे और आंखों के बीच, धवलता में फड़फड़ाती है वो हथेली के नीचे और आंखों के बीच, वो लिखती है और सिर्फ लिखती है देह कोश में शब्द कोश, और वो लिखती है सिर्फ लिखती है देह कोश में शब्द कोश, अर्थ कोश, प्रणय कोश, उसके शब्दों की परछाई में प्रेम का अस्तित्व तो उजागर होता है, उसके शब्दों की परछाई में प्रेम का अस्तित्व तो उजागर होता है, वो बनती है और बनाती है प्रणय अस्मिता, वो बनती और बनाती है प्रणय अस्मिता, जिसको हासिल करने में
अहम की सारी परतें मिट जाती हैं। जिसको हासिल करने में अहम की सारी परतें मिट जाती हैं, रह जाती है सिर्फ चांदनी रात में लिपटी हुई मौन झीलें और बर्फ ढके शहर। और रह जाती है सिर्फ चांदनी रात में लिपटी हुई मौन झीलें, बर्फ ढके शहर, कुछ ढहे हुए स्वर्ण के पिघले हुए पहाड़, तूफान से पस्त हुआ समुद्र और मन मंथन से बाहर आई हुई प्रणय मणि। और मन मंथन से बाहर आई हुई प्रणय मणि पारस मणि से भी अधिक प्रभावशाली। प्रणय मणि पारस मणि से भी अधिक प्रभावशाली। तो आज की कविता का शीर्षक, अंतिम कविता का शीर्षक है ये प्रणय मणि, जो मैंने आपके सामने पढ़ी। और ये डायमंड से प्रकाशित है ये पुस्तक, और इसका 200 मूल्य है। अमेजन से भी मंगा सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर कविताएं आपको पसंद आई हूं और इसमें से जो छूट गई हैं कविताएं, वो छूटी हुई कविताओं को पुनः अपनी संवेदनाओं में पकड़ने के लिए आप संग्रह भी पढ़ सकते हैं। अन्यथा भाई देवेंद्र जी मुझे फिर आमंत्रित करेंगे तो मैं अपनी कुछ और कविताओं के साथ, जैसे औरतों पर लिखी कविताएं, प्रकृति पर लिखी कविताएं, महापुरुषों पर लिखी कविताएं जिनसे मेरी मुलाकात है, और भी बहुत सी 14 कविता संग्रह आ चुके हैं, और उन सारे कविता संग्रहों को लेके अंतिका प्रकाशन 3 भागों में काव्य समग्र प्रकाशित कर रहा है। मेरी ही देरी की वजह से नहीं आ पाया क्योंकि मैं उसकी भूमिका नहीं लिख पा रही हूँ, लेकिन वो 3 खंडों में काव्य संचयन आने वाला है। तो मैं आप सब श्रोताओं की बहुत आभारी हूँ, और सच्चे मन से तो आभार तब भी होगा अगर ये कविताएं आपके मन में, आपकी स्मृतियों में, आपके संबंधों में, आपके प्रेम में जगह बनाती हैं और एक शक्ति के रूप में आपके साथ रहती हैं, तो मुझे अपने सृजन पर प्रसन्नता होगी, खुशी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार देवेंद्र जी का और आप सभी श्रोताओं का। धन्यवाद।